गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो आपको पता ही है टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, जो कार्य अपने वर्तमान समय के अंदर करते हैं, वर्तमान समय जो अब चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम एक गाना गाता है। नंबर दो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल, जो कार्य बीते हुए समय में अपने किए थे वो सारे कार्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम किल्ड ए स्नेक, राम ने एक सांप को मारा, यानी कि ये भूतकाल की बात हो गई। नंबर तीन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस भविष्य का, यानी वो समय जो आगे आने वाला है। जैसे राम विल गो टू मार्केट, राम बाजार जाएगा। तो अब देखो अपने तीन टेंस की अभी बात की, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इनको देखो किस प्रकार से भी जो अब समय अपना चल रहा है, जो समय चल रहा है वो वर्तमान समय है, उसमें जो कार्य कर रहे हैं वो वर्तमान टेंस के अंतर्गत अपने बताएंगे, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बताएंगे। जो कार्य हम पीछे कर चुके या जिन कार्यों को अपने समाप्त कर दिया वो सारे कार्य पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं, और जो कार्य अब आज के बाद हम करेंगे यानी अब समय के बाद में या कल या परसों या आने वाले समय में जो करेंगे, जो अपने इरादा कर रखा है, तो वो सारे कार्य फ्यूचर टेंस के अंतर्गत किए जाते हैं।